इस तरह से बैलून फुलाया जा रहा है, बैलून फुलाने का मशीन है। बहुत ही आसान है, जो कि एक बच्चा भी कर सकता है। मशीन में बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है बनके। उस तरह से फंसाया जाता है। बांध के रस्सी में इस तरह से फंसाया जाता है। बहुत ही आसान है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। इस तरह फुला के इस तरह से मोड़ना पड़ता है, उसके बाद यहाँ रस्सी में फंसा के बांधना पड़ता है। बहुत ही आसान है। देखिए किस तरह से फंसाते हैं। भाई एक बार हाय बोल दो। बन के रेडी होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादातर ब्लू और व्हाइट ही अच्छा लगता है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। मंच मैंने खड़ा जी
देखिए इस तरह का डिजाइन बनने के लिए बेलून को इस तरह से, मतलब एक कलर को एक साइड, एक कलर को एक साइड, इस तरह से रखना है। नहीं जाने मिलते, नहीं जाने। बैलून को हमेशा एक साइड ही फुलाने की कोशिश करना, तो आप लोग देख सकते हो अच्छा लगेगा। तो सीखना हो तो आइए हमारे गांव, हम सिखा दीजिएगा। कब फिटिंग कर दिया, हटा दीजिए देखिए इस तरह से दोनों कलर को मिला के एक कलर को एक साइड, एक कलर को एक साइड रखना है, तब इस तरह का डिजाइन बन पाएगा। ये है हमारा ओनर। देखिए बहुत जल्दी ही कितना बन के रेडी हो गया, बहुत लंबा बन गया। ये स्टेज डेकोरेशन होगा और इधर साउंड सेट सब लगा हुआ है। को पकड़ना है और एक कलर से ऐसे दो कलर को पकड़ के ऐसे मोड़ना है इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से रखना है। ये बन के रेडी हो गया। फिर ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे मोड़ के इस तरह से करना है। ये देखिए बन के रेडी हो गया। ये देखिए बड़ा भाई बना रहा है और इधर दो भाई इधर बैलून फुला रहे हैं। कुछ कहिएगा थोड़ा। हाँ बोले हम बुलबुल के थक गए, बुलबुल के थक गए। इस तरह से इसको ऐसे खोज कर इस तरह से बहुत ही जल्दी बन जाता है और इस तरह से रख देना है। एक बच्चा भी कर सकता है इस तरह से। दो आदमी पकड़ के इसको खड़ा करना है, इसको रस्सी से बांधना है या तो जेतर से तो बिल्कुल मत बांधिए। अगर मिस्टेक में कहीं लग गया तो मेहनत पानी फिर जाएगा। इसको इस तरह से मिला के बांधना है इसको। ये बन के रेडी हो गया बैलून डेकोरेशन। सुर और साज से भरपूर पेश है एक सुंदर सा नागपुरी युगल गीत, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। अपने सुमधुर आवाज से बिरोया है मिस्टर लक्ष्मण सिंह और कृष्णा बड़ाए, संगीत रविराम, सरगम स्टूडियो, लोंगा बसिया।